अगर आपने मेरी ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी ड्रामा क्लाउड के HMD सॉरी नॉट क्लाउड ड्रामा HMD या फिर कह सकते हैं बैठ जा HMD के ऊपर, तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई पर्पज नहीं है। पर हाँ, देख सकते हो अगर आपकी मर्जी नहीं है पिछली वाली देखने का, तो ये भी देख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम आपको बताएंगे कि ये हमारा जो ये वाला ड्रामा HMD है, ये कितनी देर में आपका हुक्का सेशन रेडी कर देता है, एंड इसमें क्लाउड डेंसिटी कितनी होती है और कितनी नहीं। एंड हाँ, कुछ कह रहे थे कि ये इंडियन मार्केट में क्यों बेस्ट है। सो इसके बेस्ट होने का मेन कारण ये है, जो कि यहाँ पर प्रोवोस्ट है, प्रोवोस्ट पहले नंबर पे है देखा जाए। पर अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जितने भी प्रोवोस्ट अवेलेबल हैं सभी के सभी फेक हैं, ठीक है। उनको जब हीट देती हैं तो उसमें से कुछ ऐसा केमिकल निकलता है जो कि गले में बहुत ज़्यादा लगता है एंड आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और जो हमारा ये बैंड, जो हमारा ये वाला अपना HMD है, ये बढ़िया क्वालिटी के अपने स्टील वगैरह से बना हुआ है, जिसके कारण इसमें वो गले में लगने में प्रॉब्लम नहीं होती और किसी की तरह का केमिकल ये नहीं छोड़ता है, बढ़िया चलता है। सो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कोल्स, और कोल्स यहाँ पर मैं तीन यूज़ कर रहा हूँ, तीनों एक एक कोने में। एंड ये रखेंगे अपने बाउल के सीधा ऊपर, अगर आप नहीं देख पा रहे एक बार आपको खोल कर दोबारा से दिखा देता हूँ। ये ऐसे मैं अपने कोल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी रखे हैं, और ये हमारा स्टार्ट कर दिया मैंने, और देखते हैं ये कितनी देर में हो जा रहा है। और मैक्सिमम मैं इसको सिर्फ 3 बार या 4 बार मैक्सिमम फूंक मारूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऐसे वर्क कर रहा है। और इससे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे करके, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पलट कर थोड़ा सा ना हीट मैनेज करने का ना। सो दो तरीके हैं, या फिर इसको मैं ऐसे इसके ऊपर तीनों के रख सकता हूँ, ठीक है, ताकि एयर वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो को कोल को ऐसे रख दिया, ये जो हमारी ये वाली पोजीशन आ जाती है, ये सेम ऐसी प्रोवोस्ट में भी आती है, प्रोवोस्ट में आप ऐसे रख सकते हो, वैसे दो कोल रख सकते हो, यहाँ पर तीन रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे इसको पोजीशन को रखकर और ये लगा दिया अपना बाउल ऊपर की ओर, एंड वेट करते हैं, बस 1 मिनट हुआ है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर अंदर इसका बढ़िया पूरा वर्क करना चाहिए, बाकी फिटिंग तो प्रॉपर है, आराम से बैठते हैं। अगर हुआ तो मैक्सिमम 2 बार इसको मैं और फूंक मारूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, आराम से अपने टोबैको को अच्छे तरीके से हीट होने दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया तरीके से अपने टोबैको को हीट होने दो, जितनी जल्दी करोगे उतना ही ख़राब बनेगा फ्लेवर आपका और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा अगर अच्छे तरीके से आपको हीट मैनेज करनी आ गई। सो यहाँ पर हीट मैनेज हो रही है, 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा बाउल थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, उसको मैं खोल कर दोबारा से रीसेट कर लेता हूँ। और ये हो गया मेरा बाउल सेट आखिरकार, फक यस, और इसको ढक देंगे दोबारा से, और गर्मी काफ़ी हो गई है, टाइम हो चुका है हमारा 3, और देखते हैं इसका पहला ड्रैगन निकाल कर कि कैसा वर्क कर रहा है हमारा शीशा। सो चलिए, लेट्स टेक अ फकिंग फर्स्ट ड्रैग एंड होप इट्स गुड।
सो एज यू कैन सी ओनली टू पुल्स एंड स्मोक काफी बढ़िया आ रहा है, और इसको मैं अच्छे तरीके से ढककर दो बार फूक और डालूंगा। Let's see कि अब क्या करेगा, ये धमाल मचाता है या नहीं मचाता। So as you can see, काफी ज़्यादा डेंस क्राउड बन रहा है, सब कुछ एकदम से बढ़िया नाइस चल रहा है। बाकी स्मोक डेंसिटी तो आप चेक कर ही सकते हो, इतना ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है। और अगर आपको लगे कि हीट ज़्यादा आ गई है, थोड़ा सा उसको आधा कर दीजिए या फिर उठाकर नीचे रख दीजिए अपने ऊपर वाले पार्ट को जिससे हमने ढका हुआ है उसको। सो ये है हमारा हाउ टू यूज बादशाह और ड्रामा HMD एंड इस लिट। एज यू कैन सी सभी और धुआं ही धुआं, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। सो एज यू गाइस ऑल कैन सी सिर्फ 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट्स, 3 कोल्स और 2 कोल्स इफ यू हैव फ्लैट एंड ऊपर से ढककर। सो इतना बढ़िया वर्क करता है हमारा ये क्लाउड HMD, नॉट क्लाउड, इट्स एन HMD। ये HMD हमारा इतना बढ़िया वर्क करता है कि आप देख रहे हो खुद ही। सो अगर आप जाकर इसको बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। उनके पास ये अवेलेबल है, उनके इंस्टाग्राम पैनल का मैं लिंक दे दूंगा। बाकी स्मोक तो काफ़ी अच्छा है, और ऐसे मैं अपना शीशा सेशन इंजॉय करता हूँ और होप कि आप भी करेंगे। एंड अगर आपको इसके थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन उसको जाकर दबा दो, साथ में घंटी उसको भी दबा दो ताकि नई वीडियो हमारे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, एंड मिलते हैं अगली नई वीडियो में। एंड मिलते हैं अगली नई वीडियो में। इस शो बोरी जी फ्रॉम PC Sheffield, पीस आउट।